गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में आपको हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण व भेद करवाने जा रही हूँ। क्रिया विशेषण की परिभाषा है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, हिरण तेज भागता है। इस वाक्य में भागना क्रिया है और जो तेज है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो कितनी तेज भाग रहा है, अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के और भी एग्जाम्पल है, उदाहरण दिए गए हैं, वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। खरगोश तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये जो शब्द हैं, इन क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। आगे क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? चार। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? काल का मतलब समय। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्यामू कल मेरे घर आया था। कब? कल। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ये सुबह यानी ये समय है, सुबह जल्दी उठता हूँ। तो ये हमारा कल और सुबह, ये आने की और सुबह उठने की विशेषता बता रहा है। तो ये आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर है रीतिवाचक क्रिया। रीति का मतलब तरीका, कि क्रिया जो है वो किस तरीके से, किस विधि से हो रही है। जैसे सुरेश ध्यान से चलता है। कैसे चलता है? ध्यान से। नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। कैसे पढ़ाई करता है? ध्यान पूर्वक। शेर धीरे 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 आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? धीरे धीरे। तो ये जो गहरे शब्द हैं, ये इन क्रियाओं की, चलने की, पढ़ाई करने की, आगे बढ़ने की विशेषता बता रहे हैं कि कार्य किस तरह से हो रहा है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे आपका है तीसरे नंबर पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब जगह है। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम अंदर जाओ, तो अब ये देखो अंदर स्थान है, जगह है। मैं बाहर खेलता हूँ, ये भी स्थान है। हम छत पर सोते हैं, यानी ये जगह है। तो ये अंदर जाकर बैठो, उसकी विशेषता है ये क्रिया की। बाहर खेलने की विशेषता है, कहाँ खेलता हूँ? बाहर। कहाँ सोते हैं? छत पर। तो ये शब्द जो है वो इन क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, और इसीलिए ये कहाँ क्रिया हो रही है, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर चौथे नंबर पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब है कि क्रिया की मात्रा, यानी कितना किया जा रहा है कार्य, तो वे उसकी विशेषता बताते हैं, उनको कहते हैं परिमाण। तुम थोड़ा अधिक खाओ। कितना खाओ? थोड़ा अधिक। अमृता बहुत कम बोलती है, ठीक है ना? तो अधिक कम, ये आपके जो हैं, ये क्रिया विशेषण की मात्रा बताई जा रही है कि कार्य कितना किया जा रहा है। तो अधिक कम और ये ज्यादा, आयुष उसके दोष से ज्यादा पड़ता है। तो इस तरह से अधिक कम ज्यादा जो है, अधिक जो है वो खाने की विशेषता है, कम बोलने की विशेषता है, और ज्यादा पढ़ने की विशेषता है। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए बच्चों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, ध्यान रखना, क्रिया की विशेषता बताते हैं, वही शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनके चार भेद हैं। पहला आपको बताया था कालवाचक, दूसरा आपको बताया था रीतिवाचक, तीसरा स्थानवाचक, और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों, आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा और भेद याद करने हैं। धन्यवाद।